सुबह गुरु अष्टकम हम लोग गाते हैं, तो उसका वो सोचते हैं कि ये गुरु का ही गुणगान हो रहा है सुबह, और कुछ हो ही नहीं रहा है। हालांकि हम लोग हरे कृष्ण मंत्र भी गा रहे हैं उसके बाद, तो उनको लग रहा है कि गुरु को ही क्यों सुबह सुबह कर रहे हैं। ये डिबेट उठी थी कि सुबह सुबह हम गुरु पट तो भगवान खुल रहे हैं मगर गां गुरु के बारे में रहे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है इस्कॉन में कि गुरु संसारादावा किसके लिए गा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए गा रहे हैं, कुछ लोगों ने परंपरा के लिए गा रहे हैं। तो भगवान के लिए भगवान है तो ये क्यों गा रहे हैं? तो सिर्फ हरे कृष्ण गाना चाहिए? गौड़े मठ वाले बहुत बोलते हैं कि यार आप ये गा रहे हो, आरती तो भगवान की हो रही है, आप वंदना गुरु की कर रहे हो। ले मगर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो मैंने निकाला है, पता नहीं मेरे माइंड से है, कि एक्चुअली हम गुरु वंदना भगवान के लिए गा रहे हैं। भगवान के सामने भगवान के भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा चीज़ भगवान किस में, इससे ज़्यादा खुश किस में होंगे भगवान? इसलिए हम संसारा दावा गा रहे हैं। क्या आपने बताया कि मैं वो मैंने सोचा है और मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ये भगवान ही खड़े हैं, भगवान को सुना रहे हैं उनके भक्तों की महिमा। प्रभुपाद ने शुरू किया ना संसार, प्रभुपाद ने शुरू किया है संसार दावा, प्रभुपाद ने शुरू किया। किसी डिवोटी ने कभी पूछा नहीं प्रभुपाद को, डिसाइपल ने कुछ कुछ पूछा नहीं किसी ने, पूछा नहीं। कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन में कि अपने पर्सनल गुरु के लिए गा रहे हैं संसारा दावा, मगर ये सब तो ऐसे बिल्कुल संकीर्ण दृष्टि हो जाएगी। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, एक और आंसर है इसका। संसारा वंदे गुरोशी चरणारविंदम, कृष्ण वंदे, कृष्णा के लिए भी गा सकते हो संसारा दावा। क्या है तो एक्चुअली ये संसारा दावा पूरी फैमिली के लिए है, पूरे परिवार के लिए है। उसमें परंपरा भी आ गई, उसमें नित्यानंद प्रभु आ गए जो साधना अवस्था में गुरु हैं, उसमें राधा भी आ गई जो सिद्ध अवस्था में गुरु हैं, उसमें कृष्णा भी आ गए जो गुरु हैं, उसमें सारे गुरु भी आ गए। तो संसारा दावा मुझे बेस्ट प्लेयर लगती है, सभी आ गए इसमें। हरे कृष्ण में जैसे कृष्ण ही है, गुरु नहीं है, गुरु है। हाँ गुरु है, तब वही गुरु है सारे गुरुओं के लिए।